Hey makeup lovers, I'm Sonali. Welcome back to my channel. So friends, आज की वीडियो बहुत ही different है, अलग है, क्योंकि आज की वीडियो है what's in my travel makeup and skincare bag. मैं out of Goa जा रही हूँ all the way to Delhi to attend my family function. तो उसके लिए मैंने कुछ skincare और makeup pack किए हैं, तो मैं आज आपको के साथ share करने वाली हूँ. वैसे packing जो है वो पूरी depend करती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं और किस function या फिर किस चीज़ के लिए जा रहे हैं. मुझे बहुत सारी चीज़ें ले जाना पसंद नहीं है. मैं ऐसी चीज़ें ले जाती हूँ जिससे मुझे मल्टी यूज़ हो सके, मेरा बहुत सारा उससे डिफरेंट यूजेज हो, और मुझे लगता है कि ये एक ट्रैवल हैक भी हो सकता है. वैसे मेरे लिए मेकअप से ज़्यादा स्किन केयर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरी जो स्किन है वो ऑयली एक्ने प्रोन है. तो जैसे ही वेदर चेंज होता है मेरी स्किन पे तुरंत रैशेज, पिंपल्स एकदम तुरंत आ जाते हैं और फिर डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं. इसलिए मैं मेकअप, मुझे 5-6 प्रोडक्ट भी मिले तो मैं आराम से उससे मेकअप कर लूँगी. वैसे भी मैंने 5 प्रोडक्ट्स को यूज़ करके मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर किया, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा. जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहती हूँ, तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं रहती भी हूँ, और ट्रैवलिंग के टाइम पर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो, ताकि मुझे कोई भी चीज़ चाहिए हो मैं एक चीज़ बोलूँ और मुझे मिल जाए. तो मैंने कुछ इतने मेकअप जो है वो पैक किए हैं. हाँ, ये बैग थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन इतनी भी चीज़ें इसमें नहीं है. वैसे ये बैग इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इसमें मल्टी चेन है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे चेन हैं, और मैं इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गया प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज करके रखने का. फॉर माई स्किन केयर मैं कैरी कर रही हूँ ये प्यारा सा क्यूट बैग, और ये येलो कलर का बैग है, और आप देख सकते हैं कितना क्यूट है. फॉर ट्रैवलिंग वेरी वेरी गुड, ओनली सिंगल चेन है और काफ़ी आपको वैसे स्पेस मिल जाता है. तो ये दो बैग्स हैं, ये है स्किन केयर का और ये है मेकअप का. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या पैक किया है. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी स्किन केयर से. तो ये जो बैग है, वैसे मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज किया था, आई थिंक फॉर 300 रुपीज़, और इसमें सिंगल चेन है. तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ एल्यूमिनियम टाइप का इंटरनल मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा ये है. स्पिल आउट भी होगा, अगर कोई चीज़ गिर भी जाती है तो आपको क्लीनिंग के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा. तो कुछ इतने स्किन केयर है जो मैं कैरी करूँ, तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ. सबसे पहले मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लांजली का लेमन हनी फेस वॉश. तो ये फेस वॉश इसलिए मैं कैरी कर रही हूँ बिकॉज ये ऑल इन वन फेस वॉश है. इसमें हनी है और लेमन है. लेमन हमारे फेस को लाइक एंटी टैन करेगा, स्किन लाइटनिंग करेगा, साथ ही साथ डार्क स्पॉट वगैरह को भी नहीं करता है, और हनी हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है. तो ये बहुत ही अच्छा है. मैं कैरी कर रही हूँ ये मेरा बायोटिक का टोनर है. जो बायोटिक का टोनर का बॉटल हमें मिलता है, मैंने उसे डिस्कार्ड करके उसे स्प्रे बॉटल में स्टोर कर लिया है, जिससे मुझे एप्लीकेशन में बहुत ईजी रहता है. और ये स्प्रे बॉटल है बाय द वे, तो बहुत ही ईजी अप्लाई कर लेती हूँ, कोई मेस नहीं होता. और फिर कॉटन से वाइप आउट कर देती हूँ एक्सेस को और डर्ट को. तो मैं कुछ इतने कॉटन बॉल्स भी मैं बहुत सारे लेके जा रही हूँ. नेक्स्ट फॉर माई मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैं लेके जा रही हूँ एलोवेरा जेल. मुझे ये केसर चंदन वाला एलोवेरा जेल बहुत पसंद है, बिकॉज ये मेरे फेस पे बिल्कुल मैट हो जाता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे. और ये छोटू सा है तो ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है. इसमें केसर और चंदन भी है, तो स्किन लाइटनिंग और डार्क स्पॉट्स वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा होता है. फॉर माई सनस्क्रीन मैं पैक कर रही हूँ ये बायोटिक का बायो कैरोल. इसमें SPF 40 है, UVA UVB है, और ऑल स्किन टाइप ये सूटेबल है. तो मैं अभी फिलहाल तो यही वाला सनस्क्रीन लेके जा रही हूँ, बिकॉज ये मेरे हस्बैंड को भी सूट करता है और मुझे भी सूट करता है, तो एक से दोनों का काम हो जाएगा. नेक्स्ट फॉर माई बॉडी लोशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त है क्योंकि समर में टैनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं वैसलीन हेल्दी वाइट SPF 24 UVA एंड UVB PA++ बॉडी लोशन लेके जा रही हूँ. ये बहुत ही अच्छा होता है, ये हेल्दी वाइट है तो आपके स्किन को टैन भी रिमूव करेगा. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई स्किन केयर, मैं कुछ अप्लाई करूँ ना करूँ पर ये ज़रूर अप्लाई करती हूँ, ये श्योर वुमेन फ्री स्पिरिट ड्राई शील्ड. ये रोल ऑन है, अंडर आर्म के लिए है ये, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बहुत स्वेट होता है. लेकिन जब से मैंने इसे अप्लाई करना शुरू किया है, इनफैक्ट प्रोडक्ट सोना का भी आता है, तो कभी मुझे वो नहीं मिलता तो मैं इसे परचेस करती हूँ, कभी ये मिल जाता है तो वो परचेस कर लेती हूँ. एनीवे, तो ये जो अंडर आर्म का रोल ऑन है, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आपको भी बहुत ज़्यादा स्वेट होता है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए. इसमें लिखा है कि ये 24 आवर तक आपको स्वेट प्रूफ रखेगा. ये सीरियसली 100% काम करता है. और माई डेली क्रीम मैंने पैक किया ये सिट्रा का
स्पॉटलेस फेयरनेस क्रीम, बिकॉज डेली बेसिस में आपको एक क्रीम चाहिए होती है और ये डेली बेसिस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये ऑल स्किन टाइप सूटेबल है। मैंने इसका भी सेपरेट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर किया तो मैं लिंक में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। पैक किया है ये लिप बाम जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरी जो लिप्स है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मुझे ये लिप बाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। और ये जो है लिप बाम, ये है ब्लू हेवन का नॉटी कलर लिप बाम, ये रास्पबेरी शेड में है और ये शायद 75 रुपीज़ का है। और बिल्कुल मेबलिन का अगर आपने ट्राई किया है लिप बाम तो ये बिल्कुल वैसा ही है, सुपर लॉन्ग लास्ट है, सुपर डुपर लॉन्ग लास्ट, और इसका कलर पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट फॉर माई सोप मैंने पैक किया ये डव का, ये पिंक रोज ब्यूटी बाथिंग बार है, मुझे मॉइस्चराइजिंग बार्स बहुत ज़्यादा पसंद है। फॉर माई शैम्पू आई एम यूजिंग दिस क्लिनिक प्लस, और ये सैशे है 1 रुपए वाला। तो ये क्या होता है, इससे आपको ट्रैवल में बहुत ही आसानी रहती है और आप इससे बहुत सारा पैक कर सकते हैं। एंड फॉर माई हेयर कंडीशनर आई एम टेकिंग दिस पतंजलि हेयर कंडीशनर, और ये प्रोटीन वाला है, ये 60 रुपीज़ का 100 ग्राम है और ये मेरे हेयर के लिए परफेक्ट है। जैसे हम अपने फेस को वॉश करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, फिर फेस सीरम लगाते हैं, नाइट क्रीम, डे क्रीम, उस तरह हमारे हेयर भी होता है। अगर आप उसे अच्छे से रखेंगे, अच्छे से केयर करेंगे तो वो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा से और हेल्दी है आपके हेयर होंगे। एंड देन मैं ये कुछ लिप ऑन का 3 रुपए का सैशे आता है, ये ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने ये 2 सैशे लिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गर्ल का मैं यूज़ करती हूँ, मेरा फेवरेट है ये और हाफ फिनिश भी हो चुका है, तो ये लेयर वाटर गर्ल है, बॉडी स्प्लैश है ये, प्राइस है 225। ये बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्ट भी करता है। माई हेयर ऑयलिंग वैसे तो मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया था, ये पैंटीन प्रो वी ऑयल रिप्लेसमेंट पावर ऑफ नरिशिंग ऑयल इन क्रीमी फॉर्म, मैंने इसे परचेज किया था। ये है 80 रुपीज़ का और ये बहुत ही अच्छा है। मैंने हिमालय का भी ऑयल एंड क्रीम ट्राई किया है और लॉरियल का भी किया है, गार्नियर का भी किया है, बट ये पैंटीन वाला जो है वो बिल्कुल मेस फ्री है। लाइक अपने हेयर पे आप लगाएंगे तो आपके हेयर में एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपके हाथों में भी वो चिपचिपापन नहीं लगेगा। और ये बैग है मेरा मेकअप का, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपने मेकअप के लिए क्या पैक किया है। ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज ये काफ़ी स्पेस देता है मिडिल सेक्शन में। तो सबसे पहले मेरा फॉर्म जो कि मैं ये वेगा का यूज़ करती हूँ, मैं कुछ क्लिप्स ले जा रही हूँ कुछ इस तरह के कंटेनर में, एंड दिस इज क्लिप्स और सेफ्टी पिंस एंड सम रबर। देन फॉर मेकअप प्राइमर के लिए मैंने कोई अलग से प्राइमर नहीं रखा है क्योंकि मैं एलोवेरा जेल ले जा रही हूँ, तो मैं इसे मल्टी यूज़ कर सकती हूँ, मैं इसे एज अ प्राइमर और एज अ नाइट क्रीम यूज़ कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने एलोवेरा जेल रखा है जिसका मैं 3 यूज़ करूँगी। मैं कैरी कर रही हूँ ये लॉरियल का मैट मजीक 12 आवर ब्राइट मैट फाउंडेशन, बिकॉज ये जो फाउंडेशन है ये ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा है, ये स्लीक है तो आपके ट्यूब टाइप का है तो आपके लिए ट्रैवल के लिए तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसकी इतनी अच्छी बात ये है कि ये जब आप अपने अप्लाई करेंगे फेस पे तो ये बिल्कुल मैट हो जाता है, लाइक आपको कॉम्पैक्ट से सेट करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती और ईजिली बिल्कुल हाथों से ही ब्लेंड हो जाता है, तो आपको कोई टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीलर के लिए फॉर माई कंसीलिंग मैं ले जा रही हूँ ये NY वेगा कंसीलर स्टिक इन दिस शेड 03 कंसीलर है, ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, आप देख सकते हैं ये लिपस्टिक फॉर्म में है, और क्योंकि ये जो जिस फॉर्म में है ये टूटने का जो है वो बिल्कुल भी डर नहीं है और बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली है। और इस कंसीलर की भी यही खास बात है कि इससे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका कंसील भी हो जाएगा, साथ ही साथ ये आपको हाईलाइटिंग इफेक्ट भी देगा, और इसे कॉम्पैक्ट से सेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती और आप इसे एज अ अपना फेस फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर माई कॉम्पैक्ट मैं ले जा रहा हूँ ये ब्लू हेवन का UHT बी माई सेल्फ कंप्रेस्ड पाउडर, और इसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे बहुत पसंद इसलिए है क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है एक बैक साइड फुल साइज मिरर। पैक किया ये मिस रोज का ब्लश पैलेट जिसमें आपको ये ऑप्शन ये थोड़ा सा आपको मिलता है ब्राउन टाइप का, इसकी पिगमेंटेशन में आपको दिखाओ तो कुछ ऐसी है, फिर आपको यहाँ पे कोरल कलर मिलता है, पिंक कलर मिलता है और ये फूशिया कलर मिलता है, तो इसे आप एज अ आई शेडो भी यूज कर सकते हैं एंड ब्लश ऑन यूज कर सकते हैं। तो फॉर माई कॉन्ट्रोलिंग एंड हाइलाइटिंग पैक किया है ये द न्यूज का ड्यूप पैलेट, और इसमें आपको मिलता है कुछ इतने सारे कलर, आपको ब्लैक मिलता है, ग्रे मिलता है, लाइट ब्राउन मिलता है फॉर कॉन्टोरिंग, और आपको
इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं फॉर आई शेडो और शिमर के लिए, फॉर हाइलाइटिंग के लिए आपको यहाँ पे मिल रहे हैं इतने सारे ऑप्शन, आप देख सकते हैं। इसका पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, हाइलाइटर भी आपको इसमें मिल जाता है, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज दो हाइलाइटर मिलते हैं। साथ ही साथ फॉर योर कॉन्ट्रोल शेड आपको मिलता है ये मैट ब्राउन कलर, जो कि कॉन्ट्रोल के लिए बहुत ही परफेक्ट है, और आपको मिलता है ये ब्लैक कलर फॉर योर आई शेडो, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर पिगमेंटेड है। और आपको कुछ इतने सारे कलर्स मिलते हैं जिसमें से कुछ शिमरी हैं जो मैं एज ए यूज़ कर सकती हूँ आई शेडो एंड हाइलाइटर, और आपको मैट ब्रॉन्ज कलर मिलता है जिससे आप ब्रॉन्ज कर सकती हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सारे आई शेडो के ऑप्शन मिलते हैं। तो ये पैलेट बहुत ही मल्टीपर्पज के लिए परफेक्ट है। और मैंने इन दोनों को पैक किया है कुछ इस तरह के कंटेनर में जिससे इनके टूटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। फॉर माई टूल्स, बिकॉज मुझे अप्लाई करने के लिए टूल्स चाहिए, तो जैसे कि मैंने आपको फाउंडेशन के लिए बताया कि वो फिंगर टिप से ही ब्लेंड हो जाता है, तो मुझे टूल्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये ब्रश पैक किया है, इसका जो टिप है वो फ्लैट है, तो कॉन्ट्रोलिंग बहुत अच्छी होगी, और ये काफ़ी डेंस है तो ब्रश ब्लेंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। फॉर माई आई शेडो, मैं एक सिंगल ब्रश से भी आई शेडो अप्लाई कर सकती हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का फ्लैट शेडर ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ जो एंगुलर इन शेप है, और ये काफ़ी डेंस है, तो मैं इसे क्रीज पे भी अप्लाई कर सकती हूँ, ब्लेंड भी कर सकती हूँ, और अपने आईलिड्स पर भी अप्लाई कर सकती हूँ। ये कुछ इस टाइप का ब्रश है जो कि बहुत ही परफेक्ट है। अपने आईब्रोज को ब्लेंड करने के लिए मैंने पैक किया है ये सुनी, बिकॉज इससे आईब्रोज ब्लेंड होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। टू कर्ल माई लैशेज, मैं ये आई लैश कर्लर ला रही हूँ जो कि है बेगा का, और दिस इज़ माई फेवरेट थिंग, इससे मेरी आई लैशेज बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। माई आईब्रो पेंसिल पैक किया ये एरियस का आईब्रो पेंसिल, और ये एकदम ग्रेश टाइप ऑफ ब्लैक, बिल्कुल मेरा ही जो आईब्रो का जो कलर है वो बिल्कुल यही है, तो मेरे आईब्रोज से बिल्कुल परफेक्ट जाता है। ये ब्लैक नहीं है, ना ही ये ग्रे है, ये इन बिटवीन है, तो ये एरियस का परफेक्ट है मेरे लिए। और कोल गाजल मैंने पैक किया ये एन वाई बे का गाजल, जो कि सिर्फ 75 रुपीज़ का है, और इसका कलर पिगमेंटेशन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, इससे हर तरह का आई लुक क्रिएट कर सकते हैं, तो मैंने इसे पैक किया है। फॉर माई मस्कारा मैंने पैक किया है ये मेबलिन ग्लॉसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा, बिकॉज ये जो है ये वाटर प्रूफ है, समर्स के लिए परफेक्ट ही है, एक बार लगाने के बाद कोई टचअप की जरूरत नहीं पड़ती। एंड लिप लाइनर्स के लिए मैंने पैक किए ये MN के लिप लाइनर, ये है 70, ये है 68, और ये है 71, और आप चाहें तो लिप कलर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये एवरीडे के लिए बहुत ही परफेक्ट कलर्स हैं। न्यूड भी मिल जाएगा आपको इसमें, और आपको इसमें बहुत सारा डिफरेंट मिल जाएगा। मैंने इसके लिप स्वॉचेस की, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये आपको यहाँ पे डार्क पिंक कलर मिलता है, लाइट पिंक, और ये रेड कलर मिलता है। तो क्योंकि मैंने लिप लाइनर रखे हैं, इसलिए मैं ये शार्पनर, जो कि आराम से आपको लोकल मार्केट में 20 रुपीज़ का मिल जाएगा, मैंने ये शार्पनर पैक किया है, जो कि काफ़ी अभी मैसी हो रखा है, तो मैंने इसे पैक किया है। और मैंने बीबी क्रीम भी पैक किया, बिकॉज बीबी क्रीम बहुत ही परफेक्ट शेड है फॉर मी, और कुछ नॉर्मल क्रीम का भी मेकअप लुक नहीं चाहिए, ना ही मुझे फाउंडेशन चाहिए, कुछ इन बीटवीन का चाहिए, तो ये बहुत ही परफेक्ट काम करेगा, और इसको लगाने के बाद मुझे कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने इसे पैक किया। फॉर माई आई लाइनर मैंने पैक किया ये NYB की आई लाइनर, और ये मैट ब्लैक आई लाइनर है, ये बहुत ही अच्छा है, लाइक 75 रुपीज़ का है, और इसके कलर पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छे हैं, आपके आईज पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेकअप और स्किन केयर जो कि मैंने पैक किए हैं फॉर माई ट्रैवलिंग। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अपने फीडबैक हमेशा की तरह मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।